लास्ट में अपन ने क्या देखा था, हम लोगों ने आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात की थी, है ना। अब आयनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, और नॉर्मली आयनिक कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो, है ना। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, दो क्वेश्चन मैक्सिमम करेंगे, देन आफ्टर अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि फजान रूल है उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चल देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एच सी एल, डाइपोल मोमेंट दे रखा है एच सी एल का कितना, 1.08 डिबाई, ठीक। और बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है, बॉन्ड डिस्टेंस दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पार्शियली चार्ज निकालना है एच और सी एल पे, क्लियर है। पार्शियल चार्ज निकालना है एच और सी एल पे, तो इसका सॉल्यूशन देखना, यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, देखना ज़रा ध्यान से। मैंने आपसे बोला मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इनके बीच में जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे जो बी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके ऊपर जो पार्शियल चार्ज आया है वो प्लस क्यू के इक्वलेंट होगा और इसके ऊपर माइनस क्यू के इक्वलेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पार्शियल चार्ज रहता है हम उसको टोटली क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो इसके ऊपर जो पार्शियल चार्ज आया होगा वो प्लस क्यू के इक्वलेंट होगा और इसके ऊपर जो पार्शियल चार्ज आया होगा वो माइनस क्यू के इक्वलेंट होगा, क्लियर। तो हम लोगों को पता है कि जो म्यू होता है, जो म्यू होता है वो होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। अब अगर मैं इसी के ऊपर बेस्ड पे क्वेश्चन के ऊपर ही ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है इसी की अगर मैं यूनिट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो हमें डाइपोल मोमेंट दे रखा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है एच सी एल का कितना दे रखा है, 1.08 डिबाई, ठीक है, 1.08 डिबाई। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिबाई में, डिबाई की जगह अगर मैं इसको ई एस यू सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1×10⁻¹⁸ ई एस यू सेंटीमीटर, कुछ ये लिख सकता हूँ मैं म्यू के लिए वैल्यू, है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने यूनिट जो निकाली थी वो डिबाई से ई एस यू में कैसे कन्वर्ट की जाती है। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो ये हो गया क्यू, चार्ज सेपरेशन, ठीक है, क्यू हो गया। और यहाँ पे जो डी की वैल्यू है डिस्टेंस हमें किसमें दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में, लेकिन हम इसको एंगस्ट्रॉम में नहीं लेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू हमने सेंटीमीटर में ले रखी है तो एंगस्ट्रॉम को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, 1.27 लिख दिया और वो लिख देंगे अपन 10⁻⁸ सेंटीमीटर, क्लियर है। 1.27×10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें से क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं निकालूंगा 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, क्लियर। तो वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁰ ई एस यू, यहाँ पे जो ई एस यू सेंटीमीटर था सो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है। अब आप अगर नोटिस करें तो ये जो वैल्यू क्यू की आई है, हमने कहा था जो वैल्यू क्यू की होगी वही प्लस क्यू की होगी और सेम एज माइनस क्यू के लिए होगी। तो एच के लिए अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी हमारे लिए पॉजिटिव में 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁰ ई एस यू, और सी एल के लिए नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁰ ई एस यू, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, हमें सब कुछ दे रखा था, बस हमें थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें जो कंपाउंड दे रखा था ए बी, उसके अंदर एच सी एल दे रखा था, अब उसकी जगह ए बी अपन लोग ले लेते हैं, ठीक है। ए बी के अंदर जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है सेम वैल्यू है 1.08 डिबाई, क्लियर।
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज हर एक एटम पे, दोनों एटम पे फ्रैक्शन ऑफ चार्ज हमें देखना है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकालना हमें बहुत ईजी रहेगा। सेम चीज़ ही अप्लाई होगी यहाँ पर। सोल्यूशन में देखना आप क्या लिख रहा हूँ मैं। सोल्यूशन में देखो, मैंने कहा ए और बी बॉन्डेड हैं, यहाँ पे पार्शियल चार्ज, इसके लिए पॉजिटिव क्यू होगा, इसके लिए नेगेटिव क्यू होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ तक की बात की थी। अब फ्रैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ देखना ज़रा। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्यू एनी, यानी कि आपको तो फ्रैक्शन निकालना है ना हर एक एटम पे। ये एटम आपको बता रखा है और उस एटम के ऊपर चार्ज है ना, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ही तो निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, म्यू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। अभी देखो सॉल्व होता चला जाएगा, वैल्यू में वही 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका क्यू मल्टीप्लाई बाय 1.2 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये गया सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, वैल्यू में अब Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1.08 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसको जब सॉल्व करें तो ऊपर जो हमारे पास में वैल्यू आई थी 0.85, इसको हम लोग राउंड में 0.9 लिख देते हैं। ठीक है, 0.9 राउंड ऑफ कर देते हैं, और 10 टू द पावर 10 ESU ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि क्यू एनी आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है ना, ये माइनस 10 है। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 आपने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी जैसे ऊपर करी थी, ये है ना, ये वाली वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी। और नीचे हम लोग जो वैल्यू लिख रहे हैं वो लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैं आपको पहले लिखवा सकता हूँ, वो है 4.802 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 10। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू निकल जाएगी 0.187। ठीक है, हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज निकालना था, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, यही दो क्वेश्चन आपको समझाने थे। इसी के बेसिस पे आप जो है फजान रूल को पर्सेंट आयनिक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है फजान रूल, तो इसके लिए भाई हेडिंग डालेंगे फजान रूल। अब बेसिकली फजान रूल है क्या, वो चीज़ समझिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे पर्सेंट आयनिक कैरेक्टर में, किस में, कोवलेंट कंपाउंड में। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आयनिक बॉन्ड है और उसके अंदर आपको कोवलेंट कैरेक्टर निकालने हैं, तो आप किसकी हेल्प से निकालेंगे, आप निकालेंगे फजान रूल की हेल्प से। देखो फजान रूल में आप लिखेंगे इट डील्स विथ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, क्या किया आपने, आयनिक बॉन्ड्स में कोवलेंट कैरेक्टर देखना चाहा। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये मेरे पास में कोई एटम है, ठीक है, ये कोई आयन है, ये दोनों कोई आयन्स हैं हमारे पास में। अब इसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूँ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास में कुछ इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा। एक पे आएगा पॉजिटिव का चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव का चार्ज। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ना। बेसिकली तो हम ऐसे ही समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में एक्चुअली होता है कोलिजन। क्या होता है, कोलिजन आता है दोनों के बीच में। ये सिंपली ऐसे एक दूसरे से आपस में जुड़े नहीं होते, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दिखाया जाता तो ऐसे नहीं, इन दोनों के बीच में क्या आता है, कोलिजन आता है। तो आप लिख सकते हैं एक्चुअली
इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन कोलिजन टेक्स प्लेस। अब ये जो कोलिजन होता है वो कैसे होता है थोड़ा सा आप देखो, ये जो हमारे पास में कैटायन है, देखो दूसरे कलर से मैं बताऊंगा, ये हमारा जो कैटायन है ना, अब ये जो कैटायन होता है इस कैटायन के पास में होती है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि ये किसी दूसरे आयन से जब टकराएगा या उसको धकाने की कोशिश करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होने लगेगा, यानी कि जो सिमेट्रिकल क्लाउड था उसमें डिस्टॉर्शन आने लगेगा। कैसे डिस्टॉर्शन आएगा वो थोड़ा सा देखो, जैसे ये एनायन है ना, सॉरी कैटायन है ना, वैसे ये एनायन हो जाएगा, ये एनायन हो गया, कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा एनायन। पहले कैसा था, बिल्कुल सिमेट्रिकल था, ये भी सिमेट्रिकल था, लेकिन इसकी पोलराइजिंग पावर की वजह से इसमें डिस्टॉर्शन आया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलिजन। ये जो कोलिजन हुआ, इस कोलिजन की वजह से कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जितनी ज़्यादा ये प्रोसेस होगी, यानी कि जितना ये कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से ये जो पोलराइजिबिलिटी आएगी, पोलराइजिबिलिटी की क्या होती है, ये जो एनायन दिख रहा है ना, एनायन, ये एनायन इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर की वजह से डिस्टॉर्ट होने लगा। पहले ये सिमेट्रिकल शेप में था, अभी डिस्टॉर्ट होने लगा और इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये फैलने लगी, इसके ऊपर कवर अप करने लगी है। तो यही होती है पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, जिसकी वजह से। अब मान लो कि अगर ये ऐसी पोलराइजिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है इस पोलराइजिंग पावर की वजह से, यानी कैटायन जो है इस एनायन के ऊपर ऐसे कोलिजन कर रहा है जिसकी वजह से एक प्रोसेस हो रही है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, अगर ये इंक्रीज़ होती है, अगर ये प्रोसेस इंक्रीज़ होगी, यानी कि ये जैसे फैलाव आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसको कवरिंग कर रही है, ये एक प्रोसेस है, अगर इसी प्रोसेस को मैं इंक्रीज़ करूँगा, अगर इस प्रोसेस को मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे आयनिक बॉन्ड में, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस अब चल रही है, ये प्रोसेस किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी कि जो कैटायन होगा उसकी कितनी पोलराइजिंग पावर है उसके बेसिस पे प्रोसेस चलेगी। जितना ज़्यादा अच्छा कोलिजन ये कैटायन करेगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा ये एनायन। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। जितना ज़्यादा एनायन पोलराइज होगा और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उस कैटायन की लगेगी, उतने ही ज़्यादा हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब ये जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, ये कैसे पता करें कि कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, तो इसके समझने के लिए आप सिंपली ये जान लीजिए पोलराइजिंग पावर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, पोलराइजिंग पावर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी कैटायन की। देखिए पोलराइजिंग पावर को अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें कैटायन की, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उस कैटायन के लिए, उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के भी, जेड इफेक्टिव के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं स्टार्टिंग में, फिर से बताने की नीड नहीं होनी चाहिए। और ये कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियाई ऑफ कैटायन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई ऑफ कैटायन। अगर रेडियाई बढ़ेगी तो हमारे लिए पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन की वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं जो कि बेसिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देगी नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, दैट इज़ कैटायन हैज़ सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर किसी के पास में ऐसा कैटायन जिसके पास में सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तब भी पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। इसके लिए एग्जांपल आप ले लीजिए सिल्वर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव एट्सेट्रा, ठीक है।
चीज को ध्यान रखना, जब ये दो कंपाउंड, ये जो दो एलिमेंट हैं आपको दिखें, तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को मान लेना कि वो बढ़ रही है। अब देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन तो हमको समझ में आ गई, अब पोलराइजेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी भी तो फ़र्क डालेगी ना, पोलराइजेबिलिटी भी फ़र्क डालेगी, यानी कि जो कोलिजन हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल रही है वो फैलेगी तो एनायन की वजह से, और एनायन के अंदर जो पोलराइजेबिलिटी आएगी वो किस बेसिस पे आएगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोलराइजेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑन एनायन, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा एनायन का उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, और आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई ऑफ एनायन, यानी कि एनायन की रेडियाई जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छे से पोलराइज हो पाएगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई पोलराइजिंग पावर की और पोलराइजेबिलिटी की। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक कंपाउंड के अंदर अगर कोवलेंट कैरेक्टर, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा, लिखें एज कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस। ठीक है, अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड में तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उस चीज़ को ध्यान से देखना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ होने लगेगा। अब ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ क्यों होता है, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, हमें पता है कोवलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं ना कंपाउंड में, ज़्यादा हीट की नीड पड़ती है और उस हीट को देने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जब हम ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक नॉर्मल उस इक्विलिब्रियम कंपाउंड की हम लोग अगर बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कंपाउंड का वो डिक्रीज़ होगा। सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी को देखें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो भी क्या हो जाएगी भाई, वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँगा, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर वो वाटर के अंदर डिक्रीज़ हो रही है सॉल्युबिलिटी, तो नॉन पोलार सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे लेस पोलार सॉल्वेंट भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, लेस पोलार सॉल्वेंट, क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूँ इन्हीं के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स और हैलाइड्स की, किसकी, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एसिडिक नेचर होगी इनके ऑक्साइड्स और हैलाइड की, एसिडिक नेचर जो होगी वो इंक्रीज होगी, और बेसिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर। और एक और चीज़ छोटी सी, अगर कोई कंपाउंड जो है वो कलर शो करता है, इफ कंपाउंड शो कलर अगर कोई कंपाउंड कलर शो करता है, देन इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। अगर कोई कंपाउंड कलर शो कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी जो है कलर की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया भाई आपका फजान रूल। अब इस फजान रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चनिंग मैं आपसे करता हूँ, उस क्वेश्चनिंग के जो है आपको आंसर्स मुझे देना है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, आपको क्या करना है, कंपाउंड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उतारना है कोवलेंट कैरेक्टर के, यानी कि सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होगा, एंड देन आफ्टर उससे कम करिए ज़रा फटाफट, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। देखिए ज़रा, पहले वाले में अगर हम लोग देखें तो मैंने
ये जो कैटायन है इनके साइज़ को वेराई किया। क्या किया मैंने, साइज़ को वेराई किया। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रुबीडियम एंड सीजियम। अब इनमें जो साइज़ फैक्टर आया है तो हमें पता है कि रेडियाई बढ़ेगी अगर साइज़ बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, रेडियाई बढ़ेगी तो, अगर रेडियाई बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। यहाँ पे भी साइज़ का फैक्टर आया है, लेकिन साइज़ इस बार एनायन का, ऊपर कैटायन का था ना, इस बार एनायन का साइज़ फैक्टर आया। ठीक है, अगर एनायन का रेडियाई बढ़ेगी तो पोलराइजेबिलिटी जो है वहाँ पे बढ़ने के चांसेस है, यानी कि बढ़ती हुई दिखेगी हमें। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4, 3, 1 एंड 2। कैसे, 4 सबसे ज़्यादा रेडियाई होगी, फिर थर्ड की, फिर फर्स्ट की एंड देन फिर फ्लोरीन। नेक्स्ट वाले के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसिडरेशन में लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो NaCl को देखें, सॉरी थर्ड वाले में चार्ज को कंसिड्रेशन में लिया है। तो अगर देखें तो Na के ऊपर +1 का चार्ज है, इस पर +2 का चार्ज है और इस पर +3 का चार्ज है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो हमें यह पता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी, है ना, पोलराइजेशन पावर। तो 3, 2, सॉरी 1 हो गया, ये क्लियर है, 3, 2, 1। फोर्थ वाले के अंदर NaCl वाला जो है, NaCl, MgCl2, AlCl3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को इनक्रीज़ किया, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ी है। इसके लिए +1 है, इसके लिए +2 है, ये +3, ये +4 और ये +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो पोलराइजेशन पावर जो है कैटायन के लिए वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी मैंने चार्ज को डिफ़र किया है। अब ये चार्ज किसका डिफ़र किया है मैंने, एनायन के लिए। देखो ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये -1, ये -2 और ये -3। हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा चार्ज एनायन का उतने ही ज़्यादा पोलराइजेशन, 3, 2 एंड 1। क्लियर हो गया। अब अगले जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो भी कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो देखिएगा ज़रा अगले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेसिकली क्या पूछा गया है कि आपको मेल्टिंग ऑर्डर बताना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप देखें मैंने यहाँ पे NF लिया है, CuCl और NaCl लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें आपको आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा दिख रहा है, किस में ज़्यादा दिख रहा है आयनिक कैरेक्टर। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेल्टिंग पॉइंट की हम लोगों ने बात की तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पहले तो कम हो जाएंगे, दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट है कंपाउंड का वो भी डिक्रीज होगा, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे NaF की बोलता हूँ तो यहाँ पे जो कैटायन है, ये जो दोनों कैटायन है ये दोनों तो सेम हो गए। अगर एनायन की बात करता हूँ तो साइज फैक्टर मैटर करता है, रेडियाई मैटर करती है। तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन जो है इनके साइज मैटर पे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसकी जो नंबरिंग आएगी, सबसे पहले तो मैं रखूँगा 1 नंबर को, यानी सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हमें इसमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है, सॉरी यहाँ पे जो एनायन है इसकी रेडियाई की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें कम देखने को मिलेगा, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका रहेगा। देन आफ्टर 3rd नंबर और फिर आता है ये CuCl। अब ये CuCl क्या है, मैंने आपको बता रखा था कि सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये कंपाउंड हमें मिलता है CuCl, हम इसको सबसे लास्ट में रख देंगे, यानी कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है। अब आप देखेंगे कि मैंने ये जो कैटायंस लिए हैं, ये जो कैटायंस लिए हैं, सब कैटायंस वेराई किए हुए हैं, ये सब कैटायन वेराई किए हुए हैं, और ये फैक्टर जो आएगा यहाँ पे वो आएगा साइज़ का फैक्टर, कैटायन के साइज़ का फैक्टर। तो अगर अपन देखें सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा, सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे, है ना। फिर आता है हमारे पास में 4 नंबर, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब यहाँ पे मैंने थर्ड, ये जो क्वेश्चन नंबर 4th है इसमें बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर। अब इंटेंसिटी ऑफ कलर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको ये एनायन फैक्टर बताया था इंटेंसिटी वाला, कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और जो कलर इंटेंसिटी होगी वो बढ़ने लग जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कलर इंटेंसिटी कौन बताएगा, हमें पता है आयोडीन, इसको हम लोग बोल देंगे। फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। ठीक है, सारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन भी इजी लगने वाले हैं। चलिए अब मूव करेंगे हमारे एक छोटे से वो टॉपिक की तरफ जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसको हम लोग आज शॉर्ट वे में ही देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। कहने को बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन सॉल्युबिलिटी को आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकल जाता। रिजल्ट के बाद में ही समझ में आएगा कि सॉल्युबल है या नहीं, इसकी डिपेंडेंसी जो रहेगी वो कैसी रहेगी आप देखिएगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को अलग अलग केसेस के अंदर पढ़ा जाता है ना। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, तो हम अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग प्रोसेस को देख लेंगे। पहला केस क्या कहता है, केस वन की अगर मैं बात करता हूँ, पहला केस हमसे कहता है कि मान लीजिए कि एक कंपाउंड वन है, कंपाउंड वन है और एक कंपाउंड टू है, कंपाउंड वन है और एक कंपाउंड टू है। कंपाउंड वन आयनिक है, कंपाउंड टू भी आयनिक है, लेकिन कंपाउंड वन जो आयनिक है वो सॉल्यूबल है बट ये इनसॉल्यूबल है। तो ऐसा क्यों, तो हम ये कह सकते हैं हमारे जो देखा है आज तक उसके हिसाब से एक जो फैक्टर लगता है वो ये है कि जो लैटिस एंथैल्पी होगी, लैटिस एंथैल्पी होगी उस कंपाउंड की, वो कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है। और जो इनसॉल्यूबल वाला कंपाउंड है हम ये कह सकते हैं कि उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। ये केस फर्स्ट की हम लोगों ने बात करी। केस टू की तरफ मूव करते हैं, केस टू क्या कहता है हमसे। केस टू में भी हमने एक कंपाउंड लिया, कंपाउंड वन जिसे हम लोग कह देंगे और कंपाउंड टू, क्लियर। दोनों ही आयनिक हैं, ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है, लेकिन ये सॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल है, ऐसा क्यों। तो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एच एस ए बी का, एच एस ए बी प्रिंसिपल, एच एस ए बी। अभी एच एस ए बी क्या है, एच एस ए बी होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बेस पे अगर हम लोग इसी को अगर बेस मान लिया जाए तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड वन के अंदर जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो हार्ड और सॉफ्ट का, या सॉफ्ट और हार्ड का इंट्रैक्शन हो रहा होगा। और ये इंट्रैक्शन कैसा होता है, ये इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन होता है, क्लियर। और वहीं अगर कंपाउंड टू के लिए अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो रहा होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, क्लियर। ये था केस टू, मतलब हर एक केस के अंदर कुछ ना कुछ बातें ली गई हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स लिए गए हैं, उनके बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल है या नहीं है, है ना। केस थ्री की अगर हम लोग बात करते हैं, और ये सब सॉल्युबिलिटी में किस में बता रहा हूँ, ये सब सॉल्युबिलिटी में बता रहा हूँ आपको वाटर के लिए, है ना। केस थ्री देखिए, केस थ्री क्या कहता है, केस थ्री में भी वही कंपाउंड वन है और कंपाउंड टू है, ठीक। अब यहाँ पे जो कंपाउंड वन है वो सॉल्युबल है, कंपाउंड टू इनसॉल्युबल। तो क्या कह दिया गया कि मान लीजिए कंपाउंड वन जो है
वो आयनिक था इसलिए सॉल्यूबल है, और कंपाउंड टू जो है वो कोवलेंट था इसलिए इनसॉल्यूबल है। तो जैसे ही साइंटिस्टों ने देखा भाई एक आयनिक सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल कोवलेंट है, तो हो सकता है कि कोवलेंट की बात कर लें। तो केस फोर में उन्होंने देखा कि कंपाउंड वन ले लिया, कंपाउंड टू ले लिया। अब उन्होंने ये देखा कि ये दोनों कंपाउंड कोवलेंट हैं। दोनों कंपाउंड कैसे हैं? कोवलेंट हैं। ऊपर हम लोग देख रहे थे ना कोवलेंट इनसॉल्यूबल्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड कोवलेंट ले लिए। लेकिन यहाँ पे भी कहानी वही देखने को मिली कि एक कंपाउंड जो है कोवलेंट वाला वो सॉल्यूबल था, दूसरा वाला इनसॉल्यूबल है। क्लियर? तो ये जो सॉल्यूबिलिटी आई होगी, ये मान लिया गया कि वो जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। और ये जो इनसॉल्यूबिलिटी हुई है इसकी वजह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एच बॉन्डिंग नहीं हुई होगी, नॉन एच बॉन्डिंग। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके बेसिस पे सवाल कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कौन सा तरीकों को माने कि ये सही है या ये गलत है, या कौन सी चीज़ हमें वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अगर सॉल्व करना है तो किस पैटर्न को फॉलो करना है वो आप देखिएगा। मैंने आपसे कहा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ठीक है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है मैं इनको दो फैक्टर्स में बांट देता हूँ, दो फैक्टर्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहला हो गया हमारे लिए कैटायन अगर वेराई करेगा तो, अगर कैटायन वेराई करता है तो क्या, और अगर एनायन वेराई करता तो क्या। ठीक है, कैटायन वेराई करता है तो क्या, और एनायन वेराई करता है तो क्या। अगर हम लोग कैटायन वेरिएशन की बात करेंगे, कैटायन वेराई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही मेटल्स को हम लोग ले लें, एक अल्कली मेटल्स ले लें और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें। अल्कली मेटल ले लें और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, अल्कली मेटल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उसके साइज़ फैक्टर की। किस बारे में बात करेंगे? उसके साइज़ फैक्टर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अल्कली मेटल में अगर साइज़ फैक्टर को देखा जाए, अल्कली मेटल में अगर साइज़ फैक्टर देख लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ अल्कली मेटल अगर इंक्रीज होता है, साइज ऑफ अल्कली मेटल अगर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अगर साइज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट ये सब के लिए नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन्स हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ अभी, वो भी आप साथ में लिख ही लेना। मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है ना। मेटल क्लोराइड, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, इनके साथ में अगर साइज ऑफ अल्कलाइन सॉरी अल्कली मेटल, साइज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज होता तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे, अभी अल्कली मेटल्स को क्लियर हो गया कि अल्कली मेटल्स में क्या था, साइज ऑफ अल्कली मेटल अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम ये कह सकते हैं साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल के साइज को इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन 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 इसमें भी फैक्टर है, बट इफ एफ नेगेटिव, ओ डाई नेगेटिव,
OH नेगेटिव हैं, अगर F नेगेटिव O माइनस टू और OH नेगेटिव हैं, तो साइज ऑफ अल्कलाइन, तो इसके बेसिस पे साइज ऑफ अल्कलाइन, साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो दोनों में फ़र्क देखना समझ में आए। अल्कली मेटल में क्या बोला था कि साइज ऑफ अल्कली मेटल अगर इंक्रीज होता तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ केस में जैसे मेटल क्लोराइड है, ब्रोमीन आयन है, आयोडीन आयन है, तो इस केस के अंदर साइज ऑफ अल्कली मेटल जो है वो इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? अगर यहाँ पे हम लोग एनायन को वेरी करते हैं, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो एनायन आ गया, ये एनायन को आप ले लीजिए, ऐसा नहीं। अभी मैं बताऊँगा दोनों ही चीज़ों में फंडे बताऊँगा जब इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनायन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनायन को भी मैं दो फैक्टर में डिवाइड कर दूंगा। पहला तो आएगा मेरे पास में अगर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अगर ट्रांजिशनल मेटल्स हैं तो उस केस में, अगर ट्रांजिशनल मेटल्स हैं तो उस केस में अगर साइज को मैं इंक्रीज करता हूँ, साइज को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड फैक्टर में ले लेता हूँ, सेकंड इसी के अंदर एनायन वेराय के अंदर, अगर मैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को लेता हूँ विथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को ले लेता हूँ, तो इस केस में, इस केस में अगर मैं साइज को, अगर मैं इनके साइज को इंक्रीज करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एनायन वेरी करेगा तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन द साइज। क्लियर? अब देखो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लो फिर आगे बढ़ते। चलिए इन्हें सॉल्व कर लिया, देखिएगा। अब मैंने क्या कहा है आपसे कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के लिए हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी, एक तो कैटायन वेराय करवाया था और एक एनायन वेराय करवाया था, है ना, कैटायन वेराय करवाया था और एक एनायन वेराय करवाया था। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो सीजियम, यहाँ पे जो साइज है कैटायन का, मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ, ये कैटायंस, यहाँ पे जो कैटायन है अगर इनके साइज को इंक्रीज किया जाता है तो आप बताइए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज। हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 5, फिर 4 की, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 की, क्योंकि यहाँ पे आप देखो साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा साइज को हम पहले रखें क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में जमाना है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखिए, सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी यहाँ पे जो कैटायन्स हैं इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, इस वाले केस में भी कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वही ऑर्डर आएगा 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आप मुझे बताओ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, है ना, अब एक चीज़ मुझे बताना कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये अल्कली मेटल्स होते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी साइज़ बढ़ाने पर, हमको पता है कि उसकी साइज़ अगर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन 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 मैंने आपसे कहा था कि उसके साथ में ओ डाई नेगेटिव, ये जो ऑक्सीजन है ये -2 का चार्ज दे रहा है ना भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा चार्ज दे रहा है, -2 का इसके साथ में, तो यहाँ से यहाँ की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वही ऑर्डर आना है 5, 4, 3, 2 और 1। क्लियर? चलो अब AgF, AgCl, AgBr और AgI, इनको ज़रा फाइंड आउट करो, इसके अंदर क्या आएगा। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है,
सिल्वर लिया है, और जो एनायन है उसको विराय कर रहा हूँ, एनायन जो है उसको विराय कर रहा हूँ। अब एनायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर सॉल्युबिलिटी का होगी। अगर ट्रांजिशन मेटल्स की हम लोग बात करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हम लोग देखेंगे तो साइज जो है वो बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इस केस के अंदर, इस केस में जब भी हम लोग इस फैक्टर को लेंगे ना, तो ये फैक्टर कुछ इस तरीके से चलेगा। जैसे फ्लोरीन जो मैंने लिया है वो सबसे पहले आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एनायन वेरी किया है, और एनायन का साइज़ अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की नहीं हमने यहाँ पे, यहाँ तो ट्रांजिशन मेटल्स की बात की जाए तो साइज़ अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कितनी चली जाएगी, तो सबसे छोटा साइज़ यहाँ पे फ्लोरीन के लिए आएगा, एनायन वेराई कराए, है ना। अब देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा था। देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको मैं दो पार्ट से डिवाइड करूंगा। पहले वाले में अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है नॉन पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार सॉल्वेंट में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ऐसी आएगी। लेकिन जब मैं इसको वाटर में टेस्ट करता हूँ, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी देखता हूँ, तो मेरे पास में पहले तो लिथियम ब्रोमाइड, फिर लिथियम क्लोराइड, फिर लिथियम आयोडाइड, फिर लिथियम फ्लोराइड आता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हम इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। और एक एग्जाम्पल, ये सिक्स्थ वाला आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, 1, 5, 4, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 5, 4, 2 एंड 3, क्लियर। बस इसको आपको सिक्स्थ वाले को याद रखना पड़ेगा, बाकी सॉल्युबिलिटी में इसके अलावा और कोई सी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कैटायन जब वेराई करेगा तो वहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में साइज फैक्टर के ऊपर क्या ही सॉल्युबिलिटी आ रही है, और अगर एनायन वेराई कर रहा है तो ट्रांजिशन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे क्या फैक्टर्स लग के सॉल्युबिलिटी आ रही है। और जो मैंने आपको बताया मेटल क्लोराइड्स, ब्रोमाइन आयन और आयोडीन आयन जो है, वहाँ पे अल्कलाइन मेटल्स को अगर हम लोग साइज़ बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वहीं अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे तो साइज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर बढ़ाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमओटी स्टार्ट कर देंगे, और दो वीडियो के बाद में एमओटी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ओएमसी। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।